और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं देहरादून से। आज से दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं दुष्यंत गौतम। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद ये पहला दौरा है, सभी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज से दो दिन के दौरे पर रहेंगे दुष्यंत गौतम। प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद ये पहला दौरा है दुष्यंत गौतम का, और यहाँ सभी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। और इससे पहले कल भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने देहरादून में अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने भाजपा मुख्यालय में मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान आगामी चुनावों के मद्देनजर बातचीत हुई है। पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया जाए। पोलिंग बूथ की बैठक ली हमने, मंडल की बैठक ली, जिले की बैठक ली, फिर एक बुद्धिजीवी सम्मेलन किया, फिर यहाँ के महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ बैठे, फिर जिला पंचायत और ब्लॉक अध्यक्ष के साथ बैठे। ऐसे लगातार हमारी तीन दिन से बैठक चल रही है, फिर कैबिनेट के साथ भी बैठे और संगठन सरकार के बीच का तालमेल इस संदर्भ में विस्तार से काफ़ी चर्चा हुई है। और कुल मिलाकर उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, छोटा तो है ही पर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ा लवली प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश को बहुत प्यार करते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होने सहारनपुर के देवबंद भी जाएंगे, तो ये जानकारी मिल रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर। आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, यहां नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ सहारनपुर के देवबंद में भी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम जाएंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग देशों में कार्यरत भारत के राजदूतों से मुलाकात की। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। इस दौरान सीएम धामी ने विदेशों में संचालित हो रहे विकास योजनाओं के बारे में बातचीत की है। मुख्यमंत्री ने जाना कि विदेश में किस तरह की योजनाएं संचालित हो रही है और उनसे वहां के लोगों को किस तरह से फायदा होता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जो तमाम देशों के राजदूत हैं उनसे मुलाकात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उनसे जाना, बातचीत की कि कैसे वहां पर जो विकास कार्य वो होते हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब मुख्यमंत्री ने इन राजदूतों के साथ मुलाकात की। और आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर है, केदारनाथ में 3 दिनों में 3 यात्रियों की मौत हो गई। सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत के चलते मौत हुई है। मुंबई के 2 और जामनगर के 1 तीर्थ यात्री की जान गई है। कपाट खुलने के बाद से अब तक 146 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, केदारनाथ में 3 दिनों में 3 यात्रियों की मौत हो गई है। सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत के चलते ये मौत बताई जा रही है, जिसमें मुंबई और जामनगर की तीर्थ यात्री बताए जा रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अगर बात की जाए तो अब तक केदारनाथ में 146 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। तो 3 दिन में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि सांस लेने में दिक्कत और कई दूसरी वजह से इन तीर्थ यात्रियों की मौत हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।